हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द वर्डप्रेस हैकिंग। सो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है रोड मैप टू पेनेट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हमने अभी तक गूगल डॉक्स के बारे में देखा, सब डोमेन एन्यूमरेशन देखे, डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग देखी। सो आज के इस वीडियो में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट आ जाती है या फिर कोई सी वेबसाइट आ जाती है, नाउ कैसे आइडेंटिफाई करें। सो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, यू कैन क्लिक ऑन योर वेबलाइजर। सो वेबलाइजर में यहाँ पे मुझे CMS बता देता है, जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में मेरा वर्डप्रेस 4.1.31, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्लॉग फॉन्ट स्क्रिप्ट, ऐसे करके मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज में आ रही है इस वेब एप्लीकेशन के अंदर। इसके अलावा जो भी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, वहाँ पे ज़्यादातर readme.html फाइल एग्जिस्ट करती है। सो फॉर एग्जाम्पल coldbox.thm मेरे पास यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन है। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ readme.html, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस की ही है। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का लोगो दिख ही गया है। सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह वेब एप्लीकेशन आपकी वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा जब भी आप लोगों को यूजर एन्यूमरेट करने होते हैं, सो यूजर एन्यूमरेशन के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप मैनुअली भी जा सकते हैं और टूल बेस्ड पे भी जा सकते हैं। सो अगर मैं मैनुअली की बात करूं, सो मैनुअली में जैसे जो भी आपका रिसेंट पोस्ट होती है, उनके जो ऑथर होते हैं, उनका जो यूजर नेम होता है, वही आपका यूजर होता है। अब उसको कैसे वैलिडेट करना है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करके आपको यहाँ पे लिखना है wp-admin। अगर wp-admin पे नहीं होता है, सो आप यहाँ पे robots.txt के अंदर भी जाके देख सकते हैं कि अगर किसी ने फोल्डर इसका चेंज कर दिया है तो। सो यूजर नेम के अंदर जैसे मैं यहाँ करता हूँ admin, और जैसे एंटर करता हूँ, सो मेरे पास आता है invalid username। दैट्स मीन अगर आप यूजर नेम सही डालेंगे तो ये आपकी एरर यहाँ पे चेंज हो जाएगी। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक यूजर है coldd करके। नाउ यहाँ पे इसको करते हैं coldd एंड पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अभी भी इनवैलिड यूजर नेम आ रहा है। नाउ इसको ओ को जीरो करके देखते हैं, coldd। अब यहाँ पे मेरे पास आता है कि द पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूजर नेम कॉल्ड इज इनकरेक्ट, दैट्स मीन ये आपका एक यूजर सही है। सो आप यहाँ पे मैनुअली भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, आप टूल के हेल्प से भी यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा एक तरीका और है, जहाँ पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे wp-json देन wp-v2 एंड देन यूजर्स पे एंटर करना है। सो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर यहाँ पे आपके पास यूजर्स की लिस्ट आ जाती है, बट सिक्योरिटी रीजंस के कारण, जैसे अभी यहाँ पे नोट फाउंड है। सो जैसे हमने गूगल डॉकिंग देखी थी, सो गूगल की हेल्प से मैं यहाँ पे google.com ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ in URL एंड देन wp-json wp-v2 users, और कंट्री आप कोई सी भी यूज में ले सकते हैं, जैसे मैंने .br यूज ले लेता हूँ। नाउ यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आई है, जैसे 5 results आए, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकूँ कि कैसे आता है। सो जैसे आप किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाएंगे तो wp-json wp-v2 यूजर्स के अंदर आपके इस टाइप के URLs आपको शो करेंगे, मतलब इस टाइप का आपके पास API का डेटा आएगा। सो यहाँ पे आपका नेम आ रहा है, URL, डिस्क्रिप्शन, लिंक और स्लग। सो यहाँ पे जो आपका स्लग जो आपका शो कर रहा है, ये आपका इस वेबसाइट का एक यूजर है। स्क्रॉल करने पे यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है किसी और यूजर्स की। सो यहाँ पे आप इस URL पे जाके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैनुअली कि आपके कितने यूजर्स हैं, या फिर आप कमेंट पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली टूल की बात करता हूँ, सो यहाँ पे मैं अगर ऑटोमेशन की बात करता हूँ, सो आप यहाँ पे टूल यूज में ले सकते हैं wp-scan। सो इसके लिए यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। wp-scan का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है इन विंडोज, क्योंकि उसके अंदर डिपेंडेंसीज आती है रूबी लैंग्वेजेस की। सो आप वो कैसे सेटअप करेंगे तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सिंपली मैं अभी यूज में लेता हूं जैसे wp-scan, और wp-scan के बाद यहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सो मैं यहां पे -url एंड देन जो भी आपकी वेबसाइट है,
आपको यहाँ पे URL डालना है। सो ये है मेरा coldbox.thm एंड देन -e, दैट्स मीन एन्यूमरेट। सो मैं यहाँ पे -e ही मेंशन कर रहा हूँ ओनली, ताकि मेरा सारी चीज एन्यूमरेट करके मुझे शो कर दे। सो यहाँ पे हिट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि डेटाबेस आपका अपडेटेड है या नहीं है। सो आप यहाँ पे वाई प्रेस करके आप अपना वर्ड जो आपका WP स्कैन है उसका DB अपडेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जैसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आती है कि आपका जो सर्वर है विच इज अपाचे 2.4.18, XML RPC सीम्स टू बी इनेबल्ड। इसका भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कि आप XML RPC को कैसे एक्सप्लोइट करें। देन वर्डप्रेस रीडमी फॉर्म, जैसे जो कि हमने देखा था कि readme.html जो कि उसका कॉन्फिडेंस 100% है, जो कि हमने चेक भी कर लिया है अभी। एक्सटर्नल WP क्रोन सीम्स टू बी इनेबल, यहाँ पे ये चीज़ भी आपके इनेबल्ड है। वर्डप्रेस वर्जन 4.1.31 जो कि हमने वेबलाइजर के थ्रू भी यहाँ पे वेरीफाई कर लिया था। देन वर्डप्रेस थीम इज 2015 जो कि वर्डप्रेस की बाई डिफॉल्ट थीम्स में से एक है। सो यहाँ पे आपका वर्जन आ रहा है 3.5 एंड यहाँ पे ये आउट ऑफ डेट है, दैट्स मीन यहाँ पे ये एक्सप्लोइटेबल हो सकती है। नाउ स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने पे एन्यूमरेटिंग वनरेबल प्लगइन्स, सो यहाँ पे अभी इनको कोई प्लगइन्स नहीं मिले हैं। देन एन्यूमरेटिंग वनरेबल थीम्स, सो यहाँ पे ये अभी चेक कर रही है लोकेशन पे। एंड एन्यूमरेटिंग यहाँ पे टिम थम्स सर्च करता है पैसिव एंड एग्रेसिव मेथड्स का, जहाँ पे इसको भी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती है। एनिमेटिंग DB एक्सपोर्ट्स, नो DB एक्सपोर्ट्स फाउंड। सो अभी हमें देखना है यूजर आइडेंटिफिकेशन। सो यूजर आइडेंटिफाइड में हम देखते हैं सो द कोल्ड इन पर्सन फाउंड बाय RSS जनरेटर, जहाँ पे यहाँ पे इसको एक यूजर मिलता है, एक यूगो करके है, कोल्ड करके है जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया था मैनुअली, एंड देन फिलिप। सो यू कैन यूज WP स्कैन लाइक सिंपली, जब भी आपके पास कुछ भी CMS की वेबसाइट आती है, हर CMS के आपके पास स्कैनर है, चाहे से वो Drupal हो चाहे वो WordPress हो। सो आपको सिर्फ GitHub से आपको सेटअप करके देखना है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेबसाइट CMS पे है या नहीं। सो अगर WordPress पे है सो आप WP स्कैन यूज में ले सकते हैं। इसकी फ्री APIs भी मिलती है जो कि आप लिमिटेड तक काम में ले सकते हैं, दैट्स मीन अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया सो फॉर एग्जांपल 25 स्कैन आप उससे फ्रीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट केस के अंदर आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं या फिर आप टेम्प मेल यूज ले सकते हैं फ॔र रजिस्ट्रेशन इन वर्डप्रेस और सॉरी WP स्कैन। सो वहाँ पे आपको मल्टीपल APIs मिलती रहती है स्कैन करने के लिए। सो यहाँ पे हमें मल्टीपल यूजर्स मिल गए। अब इन यूजर्स को हम लोग एक्सप्लोइट करते हैं कि इनका पासवर्ड्स क्या होगा। सो इसके लिए हमारे पास पासवर्ड फाइल होती है, या आप डाउनलोड कर सकते हैं rocky.txt जो कि ऑलरेडी वीडियोस के अंदर मेंशन किया है मैंने बहुत बार। सो इसके लिए मैं करता हूँ WP स्कैन देन -URL एंड देन http://, जो भी आपका वेब एप्लीकेशन है .thf एंड देन -u, जो आपके यूजर्स थे वो थे आपका फिलिप, कोल्ड एंड यूगो। एंड पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मेरी जो वर्ड लिस्ट है। सो यहाँ पे होम काली एंड देन rocky.txt। सो rocky.txt के अंदर मल्टीपल मेरे पास पासवर्ड है। सो यूजर्स एक एक करके चेक करेगा और जिनके भी पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। सो सिंपल एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद WP स्कैन के थ्रू से ही आप इसे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। आपको हाइड्रा या फिर बब स्वीट अलग अलग टूल्स मतलब एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं है अगर आपके पास टारगेट वर्डप्रेस वेबसाइट आ जाती है तो। नाउ यहाँ पे पासवर्ड अटैक ऑन WP लॉगिन्स फॉर अगेंस्ट 3 यूजर्स यहाँ पे चालू हो गया है। सो यहाँ पे हर पासवर्ड तीनों यूजर्स के साथ चेक करते हैं और जैसे हमें मिल जाता है वहाँ पे आपको बता देगा कि आपको इसका पासवर्ड यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड आ चुका है एक यूजर का विच इज कोल्ड एंड पासवर्ड हमारे पास 9876432100। सो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इतने पासवर्ड थे, उसमें से जो हमें पासवर्ड मिला है वो मिला है 11982 के अटेम्प्ट्स के बाद पे। सो हमने ब्रूट फोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब हम करके देखते हैं इसको लॉगिन। सो यहाँ पे पासवर्ड पुट करके देख लेते हैं हम लोग एंड पासवर्ड ये हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं कि सिंपली वेरिफिकेशन हो जाए एंड देन पेस्ट एंड देन लॉगिन। एंड नाउ वी कैन सी हमने यूजर नेम और पासवर्ड से यहाँ पे डैशबोर्ड पे लॉगिन हो चुके हैं।
अब इसके बाद फर्दर एक्सप्लोरेशन होते हैं ताकि आप रिवर्स कनेक्शन ले सके बाय एडिटिंग देयर थीम्स एंड ऑल, बट वो डिफरेंट पार्ट है जो कि हम पेनेट्रेशन टेस्टिंग वाले पार्ट में देखेंगे। बट अभी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में देख सकते हैं कि कैसे आपने यूजर नेम को एनुमरेट किया, यूजर नेम के बेसिस पे आपने डब्ल्यू पी स्कैन के थ्रू कैसे पासवर्ड यहाँ पे निकाला है। सो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।